बी योरसेल्फ गाय आपको टीआरएस क्लिप्स लाता है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करते हैं, सुनिश्चित करें कि आप उस बेल आइकन को हिट करते हैं। तो अंतिम सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वह है कुछ ऐसा जो मैं सभी से पूछता हूं और मुझे उन लोगों के साथ एक सामान्य विशेषता दिखाई देती है जो अपने करियर में दूर तक पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई आध्यात्मिक अंकर होता है, तो ये भगवान या धर्म नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप आध्यात्मिक हैं क्योंकि हमने इस बात पर एक बार बात की थी। आपको आपके अपने लक्ष्यों और अपने करियर में पहुंचने में आपको लगता है कि इसने कितना योगदान दिया है? ये होता है, मैंने अपने जीवन में इसे बहुत बार देखा है और मेरी माँ मानती है कि मेरा आविष्कार बहुत मजबूत है। जब मुझे कुछ चाहिए ये समय लेता है, ये मेरी मर्जी के अनुसार ठीक नहीं होता, लेकिन ये हमेशा मेरे पास आता है। स्पष्ट है कि आप जिस प्रकार की ऊर्जाएं दुनिया में डालते हैं वही प्रकार की ऊर्जाएं आपको वापस मिलेंगी। और आप इसकी और काम करते हैं। आप रुक नहीं सकते, आप बस ऐसे नहीं कह सकते अरे मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ हो गया। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको इसकी और काम करना होगा। लेकिन हाँ, मैं वास्तव में सकारात्मक सोचने और अच्छी ओर ध्यान केंद्रित करने में विश्वास करता हूँ और यह बस हो गया। तो मुझे वास्तव में लगता है कि आप जैसे लोग हर एक युवा भारतीय व्यक्ति के लिए बहुत प्रेरणा है। आप भारत में रह रहे हैं, आप एक भारतीय व्यवसाय की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी देसी स्वतंत्रता के प्रति सच्चे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जीवन में मेहनत करके कुछ हासिल किया है। वास्तव में चैनल मुझे पर आने के लिए धन्यवाद। हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा इंटरव्यू में से एक है। सुनिश्चित करें कि आप इंस्टाग्राम पर आशना का पालन करें, मैं नीचे उसके यूट्यूब चैनल का लिंक भी दूंगा। सुनिश्चित करें कि आप सदस्यता लें। और इसे देख रहे सभी के लिए एक अंतिम संदेश, इसे देख रहे युवा प्रेरित लोग, कभी मेहनत करना बंद ना करें, हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें और अत्यधिक धैर्य रखें, सफलता आपकी होगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए आप सभी का। अशराफ और रणवीर से बाद में मिलेंगे, फिर मिलेंगे।